वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सियासी दंगल और मैं हूं आपकी होस्ट अनिकाली और मेरे साथ मौजूद हैं क्रिएटिव और मरेटिव। हेलो। अच्छा जी, न्यूज इज के वुजरा और अरकान पार्लियामेंट को कुछ अरसा तक मुल्क ना छोड़ने की हदायत। उन्होंने करनी हदायत जनाब। क्यों? हाँ जी, वजह की बकायदा तौर पर लाजमी हदायत करनी उन्होंने। वजह की ओदी वजह कई जेडे वजीर ने, कई इथे सियासतदान ने, कई पार्लियामेंट दे रुकन ने जेडे करप्शन च ते कुछ केसां च मुलव्वस ने, लिहाजा जे ओह बाहर निकल गया ते फिर निकल गया। उनको डर तो नहीं है मार्शल या कुछ इस तरह का? नहीं, नहीं। डर है उनको जिसकी वजह से वो रेडी बैठे हैं। ये हदायत मिली ना, पीछे कोई गल ही है, लाजमी ही है। निगरान सेटअप भी हो सकता है, कोई निगरान हुकूमत भी आ सकती है, कोई होर भी तक अपना की ना ना की लेकिन खबर मिली है ना अली, इन्होंने कोई पैराफ्लो जमीन पर निकली होनी। नहीं, या उनको ये पता है कि आप बस रेडी रहो, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। हमें यानी कि इनकी गड्डियां तैयार खलोती हैं, इनके पासपोर्ट रियाद बिल्कुल तैयार ने, इनकी टिकटा बिल्कुल तैयार ही हैं, इनकी फैमिलियां बाहर जाने से बिल्कुल तैयार खलोती हैं, बिल्कुल एयरपोर्ट के ऊपर इन्होंने फौजा अलर्ट कर दी कि अभी आ रहे हैं, अभी निकलने वाले हैं। एयरपोर्ट पे कितनी फौजा कितनी फौजा आंदी हैं एयरपोर्ट पे? यार हो सकता है भाई, जाने का मकसद है कि सारे रास्ते रेडी हैं, रेडी ने। मैं बिल्कुल एयरपोर्ट पर गया तो दिल करे तो सरहदों के बीच निकल जाए फिर रेल गड्डियां बड़ी मशहूर ने। अच्छा। नहीं नहीं, वो ताखीर का शिकार है। हाँ जी, कोई गल नहीं, खा रहे जो तलाशी होगी तो बाथरूम से उठे वे वे होंगे, आप उधर वर जाएंगे खा रहे। बिल्कुल अब इस गल सही। अच्छा, यानी कि क्या बयान है कि मुल्क ना छोड़ने की हदायत? नहीं जाता जी, मैं यहीं पे बैठा रहूंगा। चलो कोई गल ना, जाए ही बैठा रहे, हमारे उदास हो जाएंगे ना, वो मिस करेंगे। नहीं, नहीं, आपने जितने प्यार से कहा है ना, अरे 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 एक मरतबा मुझे रुकन बन गए किसी ना किसी इलाके का, फिर तुम्हें पूछा उन्होंने कहना तू रुकन बन गया, हूं रुक जा थोड़ी देर, तेरी मेहरबानी, मुल्क अभी छोड़ के मत जाओ। इंशाल्लाह जब हम कहेंगे ऑर्डर होगा तब चले जाना। बिल्कुल, देखो सवाल हमेशा होता ही होता है, जो बंदा ये जो इन्होंने बयान दे दिया है, यानी कि इनके ज़हन में है, इनको पता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। बिल्कुल, डर है हम पकड़े ना जाए, हमारी जो केसेस हैं वो कुछ ओपन ना हो जाए, ना हो जाए, हम बड़े तो जाना ही है ना। बिल्कुल, आखिरकार जरा जारी गल जरा कोई गलत काम करता आखिरकार पकड़ जरूर होती, भावे दुनिया च हो जाए भावे आखिरत हो, पकड़ जरूर है। बिल्कुल, इतने नहीं फड़े जाएंगे तो उत्ते ते नहीं फड़े जाएंगे जो फड़न दा हक है। अच्छा जी, ये सुनामी सुनामी बहुत करते हैं, सुनामी सुनामी बहुत करते हैं, रमजान मुबारक में महंगाई का जो सुनामी है। बिल्कुल, और हुकूमती जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए। सही का मतलब ये सुनामी, वैसे सुनामी ये बड़ा, सबसे बड़ा सुनामी तो ये है। देखो कितनी महंगाई है। जी जी, सुनामी का तो हूं पता लगा जी, महंगाई की सुनामी सिर से खड़ोती है, चीजा सस्तियां हो जाएगी। अच्छा, क्या है सर सस्ते बाजार? सिर्फ ड्रामा जी। बिल्कुल, उतो भी सस्तियां चीजा नहीं लगती, यकीन करें। कितनी कमी हो जाएगी? 5 रुपए कम, बस 2 रुपए कम हो जाएगी, क्या फायदा? वो किसी और चीज में इन्होंने इंक्लूड करके उसको दे देंगे। देखिए ना, गरीब आवाम कहाँ पड़ती है, उनको क्या पता है कि बाहर क्या मिल रहा है, या यहाँ यूटिलिटी स्टोर पे क्या मिल रहा है, या ये जो सस्ते बाजार है उनमें क्या मिल रहा है। रेट्स लिस्ट तो वो लिखी होती है जो उनकी बनी होती है। बिल्कुल, जिन्हों के नाते उन्होंने बाजार कायम की थी ना, माशा वजीर अल्लाह शहबाज शरीफ, वो तो उसे चक्कर लाते नहीं गए, पता लगे ना जाके चक्कर ला उसे भी हाँ भी की सस्ता किया है वे, ठीक है ना। उतो जो बस कुर्सियां से बैठे रहते तंबू ला के गरीब अगर कोई बच्चा है उसका दिल चाह रहा है तो वो कैसे अफोर्ड कर? 33 रुपए खर्चे ले ले, एक 200 महंगा केला, केला की मेहल है यार, एडा महंगा लेकिन रमजान में फल, एटलीस्ट फल को तो आग लग जाती है हर चीज को रमजान मुबारक में, हालांकि ये बरकतों रहमतों वाला महीना है। बिल्कुल,
ये क्या कहाँ जाते हैं सस्ते बाजार ये कहते थे जो हमारे सदर साहब ने भी कहा था और कि जी महंगाई पे जरा काबू डालें, रमजान के जो पैकेज हैं वो बहुत सस्ते होने चाहिए। मशरूबात अड्डे महंगे किए ने, यकीन करो सिर्फ फर्क कितना है, सिर्फ 5 रुपए का। 5 रुपए का तो क्या कंपनियां दे आप सस्तियां कर देंदियां ने रमजान दे विच, जेड़ा बाजार ने उन्होंने सस्ता कीता 10 रुपए की बचत, 5 रुपए की बचत, वो तो कंपनियां आप सस्तियां कर देंदियां ही ने, उन्होंने की सस्ता करना है, माल वही चुकते पे ने जेड़ा कंपनियां ने सस्ता करके बेचा। ये महंगाई का सुनामी किसी को नजर नहीं आता। बिल्कुल, मेडिकल स्टोर वालों ने रमजान पैकेज दे देते ने ते असि ते हां जी उन्होंने दवाइयां सस्तियां करतियां ने। अच्छा, हां जी ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ 10% ਰਾਇਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ 5% ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ 7000 ਰਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਖੇ ਦਾਅਵੇ ਥੇ, ਕਿਆ ਦਾਅਵੋਂ ਕਾ ਬਣੇਗਾ? ਦਾਅਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬਾਤਾਂ ਹੈ, पंजे पकाए सन मुर्गे दे, यकीन करो पंजे मुर्गे दे, मुर्गे के पंजे नहीं होते जो जो अफतारी का टाइम होता है उस तो ठीक 2 मिनट पहले बत्ती चली जाती है। देखो ना जी हम मुर्गे मुर्गिया के पंजे पकाए ने, कितों लिया पावे महंगे ने। बिलकुल बिलकुल, अल्लाह करे कि अभी भी इस पे काबू पाले और ये जो महंगाई का सुनामी है इसको ठीक हो जाए। बिल्कुल, गरीब आवाम की सुन लें, रमजान में ही सुन लें। देखो जी स्टार्टिंग दे रोज महीने रमजान गुजर गए, इसी तरह कई सियासतदान गुजर गए। हां जी, आम आम गुजर जाएगा तो इन्हें नु की फर्क पड़ता? रोज कार खजूरा भी फ्री पहुंच जांदियां ने, हर चीज फ्री पहुंच जांदी है। क्या सारी होती है सियासतदानों के, क्या बछोड़ दें टेंशन पे सानू गरीब लोगों ने जिन्हें जाके खरीद के खाना पैंदा सारी। अच्छा जी, न्यूज़ है कि यानी क्या करें आप, मैं डर जाती हूं। हां जी, आए जी कह रहे हैं आप बहुत प्यारे लगते हैं, जब कहते हैं ना वो हां जी 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 न्यूज है की यमन में ड्रोन हमलों में 2 अमरीकियों की हलाकत के बाद वजीरे दिफा के खिलाफ मुकदमा। बड़ी गल, बड़ी गल, वेखो अपने मरे ना, अपने मरे ना ते फौरन मुकदमा करता, मुकदमा कर ते जेड़े साडे बेगुनाह शहीद करी जा रहे हैं वामा नु, उना दा नहीं पता, इनां नु मुसलमानां दा नहीं पता। बिल्कुल, अपने अमरीकी मरे ते नाल ही वजीरे दिफा ते मुकदमा, ओए सुई च बिपड़ू का दी तकलीफ होई इनां नु, यकीन करो लगता ड्रोन हमले की सुई च भी है। अल्लाह करे ड्रोन हमले, इन्होंने ड्रोन हमले से दुआ करो कि वापस इनके के मुड़न का मेरी गल, अमरीकी मरे हैं कोई मुकदमा नहीं, कोई दुख दर्द नहीं गा। 2 अमरीकी यहाँ की सियासत, यहाँ की गवर्नमेंट का सोचना चाहिए ना कि वो अपने लोगों का, अपने फौजियों का, अपने जो ये लोग मर जाते हैं ड्रोन हमलों में उनका एहसास कितना उनको है, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया ना। ये तो हमारे सियासतदानों को चाहिए कोई स्टेप उठाएं, हमारे सियासतदानों को चाहिए हमलों में बेगुनाह मारे जाते हैं, कितने लोग शहीद हो जाते हैं, खुद कुछ हमले होते हैं, लोगों को मालूम ही नहीं होता हम किस तरह मर गए और क्या वजह थी। गवर्नमेंट, हमारी सियासत, हमारे कानून जो सरहद से खलोते हैं उन्होंने इजाजत दे दियो कि जिथे नजर आवे सुट दियो। बिल्कुल, फिर रोज एक अद्धा डिगया होगा ड्रोन तैयार करके टेक्नोलॉजी तैयार कर लेती होनी है। अल्लाह करे जो मिसाइल है रस्ते ही तबाह हो जाए, पाकिस्तानी आर्मी ना एवं पिस्तौल वाला बड़ा करता उ तबाह हो जाए, पकाना नहीं पहाड़ी का। सिर्फ दुआ करो, बस बस दुआ करिए, दुआ में बहुत असर है। और आप दुआ भी करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, और शायद हमारे सियासतदान भी इस चीज पे
चीन से महाज हराई पर यकीन नहीं रखते भारतीय वजीर दफा चीन ने अजकल अमरीका के नक च दम किया है फिर भारत कख भी नहीं होंगे जिन्हें अमरीका नक दम करता है भारत की होंगे अगे खुदारी नहीं नजर आ रही खुद मुख्तारी हां खुद मुख्तारी हर काम चीन साथ दे मगर साडे हुकुमरान जिहड़े ने साथ लैण दे चक्कर च नहीं कहते असीं नहीं कहते असीं खुद मुख्तार हां ते मुख्तार खुद ही आके ये काम करेगा बिल्कुल कोई मुख्तार आएगा या कोई मुख्तार है या कोई माई मुख्तार आएगी शायद अहमद मुख्तार साहब आ जाएं बिल्कुल इनके बाद राजा साहब के बाद बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जी कमरुन जुमान कायरा साहब कहते हैं कि नून लीग के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है मतलब ये आपस कठे ने उतार चढ़ाओ आता रहता है मुल्क च चार सियासत दान पार्टियां हो आपस भेड़ी पैदा भेड़ी पैदा ही इनका कहने का मकसद ये की पीपल्स पार्टी और नून लीग के तालुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है यानी कि उन्होंने असल कहने का मतलब है इको ही नहीं जी आप देखे वो उनके साथ है तो जो ये है ये तरीके इंसाफ के साथ कहते हैं अगर दोनों मिलके पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे तो फिर कुछ हो सकता है पीपल्स पार्टी बिल्कुल बिल्कुल चलो कौन मुकाबला करें यार आपस में और तहरीक इंसाफ मिलके पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें तो फिर कुछ हो सकता है देखिए जी नून लीग और तहरीक इंसाफ तो मिल ही नहीं ना सकते बाकी अगर नून लीग का मुकाबला आप कहते हैं तो वो पीपल्स पार्टी और काफ लीग से अकेले ही कर सकती बिल्कुल सही गल है अकेले मुकाबला कर सकते हैं लेकिन इस वेले तहरीक इंसाफ एक मजबूत पार्टी बनती जा रही है सुनामी कह के दिमाग जो सुनामी भरता है साडे वैसे कुछ सुनामी आ ही ना जाए बिल्कुल सुनामी का कोई पता नहीं क्या कह रहे हैं चेंजिंग तो आएगी ना चेंजिंग आएंगी नए चेहरे नहीं पुराने आएंगे कुछ मिक्सचर आ जाएगा पुराने गेटअप नए करके फिरेंगे बिल्कुल बिल्कुल एनजीओ और ये इनको तरीके इंसाफ नहीं रखना चाहिए था नाम क्या रखना है इनका चाहिए ओल्ड इन न्यू ओल्ड पुराने नए में क्या मतलब गेटअप चेंज करके नजर आएंगे कैसे क्या मतलब क्या कैसे गेटअप चेंज अपने शेख रशीद साहब अच्छा क्लीन शेव करा के फिरेंगे शेख रशीद साहब क्लीन शेव इमरान खान साहब फौजी कटिंग करा के फिरेंगे चार्ली मुछ रख अजीब सा गेटअप होगा अजीब वो आपने जो है मौलाना फजलुर्रहमान साहब के बारे में कुछ कहना उन्होंने